तो हमने ये सिंपल स्लीव्स लिए, जो कि सिंपल ही स्लीव्स मैंने जो है कटिंग की है, जो सिंपल हम ब्लाउज में लगाते हैं वही स्लीव्स है ये। सिंपल स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है और देखिए इसके सेंटर में हमें एक सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। इसके बाद हमें यहाँ से इसके बाद हमें यहाँ से जो है 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से इस लाइन पे 1.5 इंच पे हमें मार्क करना है और फिर यहाँ से 1 से 1.5 इंच तक इस तरीके से हमें शेप देना है, हमें अंदाजे से ले लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमें हल्का सा जो है गोलाई में शेप देना है। ये मेरा आ रहा है यहाँ से 1.5 इंच, इधर भी 1.5 ही आ रहा। उसके बाद हमें इस शेप को यहाँ तक गोलाई में लेके जाना है इस तरीके से। देखिए इस टाइप से हमें जो है ये शेप देना है, यहाँ से पूरा हमें इस तरीके से ये शेप दे देना है। इसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब जो ये वाला पार्ट है लाइनिंग के बाद जो एक्स्ट्रा है हमारा, इसे भी हम कट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने जो है इसकी कटिंग कर ली है, इस टाइप का शेप हमारा बन के आया है। अब मैं आपको दिखा दूँ, ये जो है हमारा फ्रंट आएगा, फ्रंट में आएगा ये, और ये जो है हमारा बैक में आएगा। ये फ्रंट रहेगा हमारा और ये बैक रहेगा। तो देखिए ये फ्रंट तो हमें एज इट इज कट करना है, सेम टू सेम यही फैब्रिक पे कट करना है। जो हमारा बैक है उसे हमें जो है देखिए एक्स्ट्रा पेपर पे हम पहले कटिंग कर लेंगे। तो पहले तो हम पूरी स्लीव्स बना लेंगे, यहाँ पे ये वाला पार्ट पूरा ड्रॉ कर लेंगे। तो इसे बनाने के दो तरीके हैं, एक तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ और एक जो है दूसरा वो भी मैं इसके बाद में दिखाऊंगी। तो जो आपको इजी लगे वो तरीका से हमें जो है इसे बना लेना है। तो हम पहले इसमें पेंसिल से बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ से जो है गोलाई में राउंड शेप देना है, एकदम हल्के हाथों से यही शेप देना है हमें। उसके बाद नीचे वाली लाइन से हमें इतनी ही चौड़ाई लेनी है और ऊपर जाते जाते हमें थोड़ी सी कम करनी है, ताकि जब हम इसमें फ्लावर का शेप दें तो ये नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर के से दिखाई दे हमें। छोटा जो ऊपर वाला पार्ट रहे और नीचे वाला, ज़्यादा वो नहीं रहेगा, इसमें अंतर नहीं रहेगा, पर हमें इसी तरीके से इसे बनाना है। अब दूसरा तरीका मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए इस तरीके से एक राउंड शेप ले लेना है हमें, एक राउंड बना लेना है। उसके बाद हमें जो है देखो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी इस तरीके से 1.5 इंच की, और 1.5 इंच हमें जो है इसके आसपास पूरे में मार्किंग कर लेनी है। आप 1.5 की जगह 2 इंच भी ले सकते हैं चौड़ाई, ताकि फ्लावर का शेप थोड़ा सा बड़ा चौड़ाई में बड़ा दिखाई दे वो। उसके बाद हमें देखिए इस तरीके से इन सभी पॉइंट्स को मिला देना है। तो हमने इस तरीके से सिर्फ यहीं तक जो है हमने मार्किंग की थी, तो यहीं तक मैंने बनाया। उसके बाद यहाँ से फिर हमें 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना है। फिर इस पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ की थी इससे हमें लेना है, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ले लिया 1.5 इंच से। इसी तरीके से हमें जो है एक इस तरीके से सीधी लाइन जो है यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। देखिए इस तरीके से आप देख कर भी समझ सकते हो, इन सभी पॉइंट्स को हमें जो है इस टाइप से एकदम हल्के हाथ उसे जो है मिला देना है यहाँ तक। आप जितना लंबा फ्लावर बनाना चाहते हो, जितना बड़ा फ्लावर बनाना चाहते हो, उस हिसाब से इसे और आगे तक जो है बढ़ा सकते हैं हम।
पर मेरे हिसाब से तो इतना ही ये ठीक रहेगा। उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है मैंने इसे, और 2 इंच से कम, ताकि ऊपर वाली लेयर हमारी छोटी हो और नीचे वाली बड़ी। और इस तरीके से हमें जो है इसे यहाँ से यहाँ तक मिला देना है। इस टाइप से भी हम इसका जो है शेप बना सकते हैं। अब जो हमारी स्लीव्स थी, बैक वाला पार्ट लिया था हमने, बैक वाले से ही हम इसे जो है बनाएंगे। तो यहाँ से हमें जो है इसे इस तरीके से रख के फिर से देखिए इस तरीके से हमें जो है इसे एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है। ये जो है फ्रंट नहीं है, बैक है स्लीव्स का, उसी में हमें बनाना है। फ्रंट तो हमें एज इट इज़ ही कट करना है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने जो है इसकी कटिंग कर ली, हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब सेम इसी तरीके से जो है हमें इसे फैब्रिक पे भी कट कर लेना है। दोनों की दो दो लेयर कट करनी है, अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों ही हमें कटिंग करना है। तो इस तरीके से मैंने इस वाले पार्ट की दो पार्ट जो है कट कर लिए हैं। इसी तरीके से जो हमारा फ्रंट वाला है स्लीव्स का, उसे भी हमने दो पार्ट में ही कटिंग कर लिया है। और देखिए इस तरह से इसे हमें अपोजिट साइड रखना, अंदर की तरफ सीधा है ये और ऊपर की तरफ उल्टा है। और उसके बाद हमें इसमें यहाँ से फ्रंट वाले में सामने की तरफ हमें सिलाई दे देनी है, और फिर हमें इसे पलट लेना। अब ये वाला पार्ट है, इसमें भी हमें जो है पलट के ही हम इसे बनाएंगे। तो दोनों मैंने अस्तर और दोनों ले लिए, और ये सीधा पार्ट है इसका और ऊपर की तरफ जो है उल्टा वाला है। तो हमें इसे भी इसी तरीके से जो अपोजिट साइड में रखने के बाद हमें जो है इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए यहाँ से पूरा राउंड होते हुए हमें यहाँ तक इसमें पूरा सिलाई लगानी है, और अंदर के साइड भी पूरा यहाँ से यहाँ तक हमें पूरे में इसमें जो है सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें सिलाई लगा दी, और सिलाई से पहले मैंने इस तरीके से इसमें कट्स लगा दिए पूरी स्लीव्स में, क्योंकि इसमें राउंड शेप है। तो सिलाई से पहले तक ही हमें लगाने कट्स, और इसमें भी मैंने लगा दिए हैं देखिए सिलाई लगाने के बाद, ताकि हम इसे पलटे जब तो फिनिशिंग अच्छी आए इसकी। तो हमें सिंपली इसे इस तरीके से पलट लेना। पलटने के बाद हमें इसमें ऊपर से हम सिलाई भी लगा सकते हैं, या फिर आप सिलाई नहीं लगाना चाहते हो तो इसे प्रेस से अच्छे से हमें जो है सेट कर लेना है। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है, हमें इसे जो है पेन से या किसी भी नुकीली चीज़ से इस तरीके से, किसी भी डंडी से पतली सी जो है उससे हमें जो है इसे पलट लेना है इस तरीके से, क्योंकि जो स्ट्रिप्स जो हमने ये तैयार की है ये चौड़ाई इसकी अच्छी रहेगी, तो ये इजीली जो है हम पलट सकते हैं इसे इस तरीके से। पलटने के बाद हम इसमें ऊपर से सिलाई भी लगा सकते हैं दोनों तरफ, या फिर हम इसे प्रेस से भी सेट कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने इन दोनों को जो है प्रेस से सेट कर लिया इस तरीके से, जो ऊपर से मैंने सिलाई नहीं दी, आप चाहें तो लगा सकते हैं। अब जो है हमें सुई धागे की हेल्प से जो है इसमें अंदर वाला जो राउंड है यहाँ से जो है हमें सिलना है, इसे बड़े बड़े टाँके से सिलना है हमें, और उसके बाद हमें जो है ये धागा खींच लेना है। आप चाहें तो मशीन से भी बड़ी सिलाई लगा के जो है इस तरीके से धागा खींच के जो है बना सकते हैं। तो मैं इसमें बड़े बड़े टाँके लगा लूँगी पूरे में। तो देखिए पूरे में मैंने इस तरीके से जो है इसमें बड़े बड़े टाँके लगा लिए हैं। अब हमें जो है ये जो है देखिए यहाँ से यहाँ तक लगाएं, अब हमें जो है ये धागा खींच लेना इस तरीके से, तो इजीली जो है फ्लावर का शेप आ जाएगा। थोड़ा सा आपको उसे सेट करना होगा इस तरीके से, अच्छे से हमें इसे सेट कर लेना। ऊपर वाला जो फोल्डेड पार्ट है उसे ऊपर की तरफ रखना है, और नीचे जो स्लीव्स में अटैच है वो तो अपने आप ही सेट हो जाएगा।
तो देखिए इस तरीके से मैंने ब्यूटीफुल सा जो है फ्लावर बना के तैयार कर लिया। अब इसे हम जो है इस टाइप से जो है सिल देंगे बीच में से, ताकि ये जो ओपन ना हो, तो जहाँ से ये फ्लावर स्टार्ट हुआ वहाँ से हम जो है सिल लेंगे इसे। और दो तीन चुन्नट जो है हम इसकी दो तीन टाँके जो है इधर उधर जो है गोलाई में लगा देंगे, ताकि ये जो फ्लावर का शेप अच्छे से आए और ये अच्छे से सेट हो जाए इस तरीके से। तो देखिए इस टाइप से हमने इसे कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारे स्लीव्स का दूसरा वाला पार्ट है, इसमें हमें इसे अटैच करना है। तो यहाँ से यहाँ पे हम इस तरीके से रखने के बाद जो इसमें यहाँ से यहाँ तक जो है हमें सिलाई लगा देनी है। तो मैंने इसे यहाँ से जो इस तरीके से सिल लिया। अब ये फ्लावर जो है सिंपल लग रहा है, इसे थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैं इस तरीके से इसमें जो है एक मोती अटैच कर दूँगी, इसे सिल दूँगी। तो इस तरीके से सिंपली हमारा ब्यूटीफुल से स्लीव्स का डिज़ाइन तैयार है, जो कि किसी भी टॉप में या किसी भी ड्रेस में या ब्लाउज़ में हम इजीली जो है बना के लगा सकते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा ये। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।